पता है दोस्तों, हमारे महाराज विक्रमादित्य को परमवीर योद्धा क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो हर कठिनाई का डट कर सामना करते हैं। तो चलिए आप खुद चलकर देख लीजिए, क्योंकि जब आप देखोगे तो जानोगे, और जानोगे तो ही समझोगे ना। ये तूफान तो बढ़ता जा रहा है। जहाज अपने आप दक्षिण की तरफ जा रहा है महाराज, तूफान का केंद्र भी दक्षिण की तरफ ही होगा। नाविक, जहाज को उत्तर की तरफ ले जाने की कोशिश की जाए। जी महाराज। महाराज, महाराज, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। हैं? तुम्हें हमारी भाषा आती है? नहीं, तुम्हें हमारी भाषा आती है? जो भी है, ये बताओ कि महाराज कहाँ है? शैतान कहीं के? एक तो हमारे टापू में घुसा है, और ऊपर से हमें ही शैतान कह रहे हो? खेल बंद करो और बताओ महाराज कहाँ है, वरना यहीं कचूमर बना दूंगा। महाराज? कौन महाराज? कैसे महाराज? कहाँ के महाराज? मुझे पहले नीचे उतारो, मैं तुम्हें तुम्हारे साथियों के पास ले जाऊंगा। नीचे उतारो। महाराज, मुंजा, इन्होंने हमें पानी की जगह कुछ नशीला पदार्थ पिला दिया था। साथियों, साथियों, वो अजगर गुफा की तरफ आ रहा है। मजा तो मैं चखाऊंगा तुझे। गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाया। पहले हमारे साथियों को छोड़ दो। इन्हें ये पिला दो, ये सब होश में आ जाएंगे।
हमें क्षमा कीजिए, हम अपने दोस्तों को ही अपना दुश्मन समझ बैठे थे। कोई बात नहीं, अंत भला तो सब भला। अंत में तो अब सबका विनाश होगा, सबका विनाश। हाँ? हाँ? क्या मतलब है आपका? तुमने शेर के मुंह में हाथ रखा है अजनबी, वो आजकल तो सिर्फ एक भूत था, असली मुसीबत तो एक महाकाय दानव है। वो अजगर उस दानव के लिए भोजन ले जाया करता था। तुमने उस अजगर को हरा कर उस दानव को चुनौती दी है, अब वो आकर हम सबको तबाह कर देगा। आप चिंता मत कीजिए, अगर हम समस्या का कारण हैं तो समाधान भी हम ही बनेंगे। उस दानव से हम तुम्हें छुटकारा दिलाएंगे, लेकिन हम ये सब आपकी मदद के बिना नहीं कर पाएंगे। हमें एकजुट होना होगा। हम तैयार हैं, और लड़ने के सिवा हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं है। तो सुनो, मेरा भोजन कहाँ है? मुझे बहुत भूख लगी है। वो अजगर कहाँ चला गया? मेरा भोजन लाने वाला था। भोजन, मेरा भोजन। सेना, बचाव के लिए तैयार हो। कौन है तू? मैं तुम्हारा भोजन हूँ, मगर पहले मुझे पकड़ना होगा। समय आ गया है आखिरी बार का, मेरे आदेश पर ये आग बरसा देना। बहुत परेशान किया तूने, अब तुझे अपने किए की सजा भुगतनी होगी। महाराज विक्रम, धन्यवाद तो हमें आपका करना होगा। हम सब आपके और आपके साथियों के आभारी हैं। यदि आप यहाँ ना आते तो हम कभी भी इस मुसीबत से छुटकारा नहीं पाते। महाराज, आपकी प्रजा, आपके सैनिक सचमुच जाबाज हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उनमें एकता थी, जो सबसे बड़ी ताकत है। तभी तो हम उस दानव को इतनी आसानी से हरा पाए। बिल्कुल सही कहा। महाराज, हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट स्वीकार कीजिए।
दोस्तों, आज की इस घटना से मुझे पता चला कि चाहे मुश्किल कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, लेकिन अगर हम एक हो जाए